दार्जिलिङ पहाडको चियाबारी श्रमिकहरूको पूजा बोनस विषयमा विभिन्न चियाबारीमा गेट मिटिङ जोइन्ट फोरमको आयोजनामा सम्पन्न भइरहेको छ। यसै क्रममा आज दार्जिलिङको मारेबुङ चियाबारीमा जोइन्ट फोरमको आयोजनामा गेट मिटिङ सम्पन्न भएको छ। उक्त गेट मिटिङमा चियाबारी श्रमिकहरूलाई सम्बोधन गर्दै चिया श्रमिक सुरक्षा समितिको पक्षबाट प्रणोद राईले भोलि 21 सेप्टेम्बर बुधबारको दिन राज्यको श्रम मन्त्री मलय घटकको उपस्थितिमा सिलगढीमा हुन गइरहेको बोनस विषयको सभामा श्रमिकहरूको बोनस एकै किस्तामा 20% हुनुपर्छ भनी माग गरेका छन्। अच्छा, दार्जिलिङमा दार्जिलिङका 84 बगानमा बोनसको विषय लिएके ये सबै गार्डनमा गेट मिटिङ हो रहा है। आज हाम्रो मैरिबुङ टी गार्डनमा भी यसै 3 दिन हो गया र सुन्नेमा आ रहा है कि कल दार्जिलिङ सिलगढीमा राज्यकी श्रम मन्त्री ये बोनस के विषय के फाइनल करने के लिए आ रहे, सुनने में आ रहे, उनको बहुत बहुत हम लोग स्वागत करना चाहते हैं। यही बताना चाहते हैं कि हम लोग देखिए चैनल की तरफ से देखिए यहाँ पर हमारे कितने बुजुर्ग आदमी लोग इतने सारे काम कर रहे हैं चाय बगान में। ये वर्ष में एक बार बोनस आते हैं, ये बोनस से हम लोगों को इतना बड़ा दशहरा और दशहरा एक साथ बनाना है, लेकिन हमारे पास दुर्गा माँ का आशीर्वाद तो है ही, सभी का आशीर्वाद तो है ही, लेकिन साथ में पैसे न होने के कारण से हम लोग कुछ अच्छे से मना नहीं सकते। इसीलिए वर्ष में ये एक बार आने वाले बोनस के लिए हम तो गर्व करते हमारे देश के पश्चिम बंगाल में राज्य में, क्योंकि हमारे पश्चिम बंगाल राज्य में हमारा सबसे बड़े एक मुख्यमंत्री लेडी से ममता बनर्जी जी है, उनका हम लोगों का ये शासन माँ और मानुष का शासन है पश्चिम बंगाल में, और ये माँ और मानुष के शासन में आज हमारा ये माँ लोग देखिए, तो माँ लोग देखिए, ये सब माँ लोग आप लोगों से 20% बोनस के लिए गुहार करते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आप लोग निवेदन करना चाहते हैं कि कल जो 21 तारीख को मीटिंग हो रहा है, आप लोग दया करके ये 20% जो हम डिमांड कर रहे हैं और एक ही बार में देने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। और इसके साथ साथ में शायद 2 हफ्ते से पहले बंगाल के एक बड़ा मंत्री और टीएमसी सरकार के महासचिव वो भी बोल रहे थे कि बगान में ये पीएफ और ग्रेजुटी नहीं देने के कारण से उन लोगों को मैनेजमेंट और कंपनी को थाने में एफआईआर करने के लिए भी बोले थे। हम लोग ने यूट्यूब में देखा हुआ है, लेकिन अभी का करेंट हमारा जो ज्वलंत चाहते हैं कि आप लोग निवेदन करना चाहते हैं कि कल जो 21 तारीख को मीटिंग हो रहा है, आप लोग दया करके ये 20% जो हम डिमांड कर रहे हैं और एक ही बार में देने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। और इसके साथ साथ में शायद 2 हफ्ते से पहले बंगाल के एक बड़ा मंत्री और टीएमसी सरकार के महासचिव वो भी बोल रहे थे कि बगान में ये पीएफ और ग्रेजुटी नहीं देने के कारण से उन लोगों को मैनेजमेंट और कंपनी को थाने में एफआईआर करने के लिए भी बोले थे। हम लोग ने यूट्यूब में देखा हुआ है, लेकिन अभी का करेंट हमारा जो ज्वलंत इश्यू से सबसे बड़ी बोनस है। इसलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं कि तृणमूल सरकार को कल होने वाले मीटिंग में आप ही शायद फाइनल करेंगे 20% बोनस देने के लिए, आप हमारा ये प्रार्थना स्वीकार करें। और इसके साथ साथ में मालिक लोग को भी एक बात हम बताने चाहते, हम लोग को पूरा हमारा माँ हमारा बाप हमारा दादा परदादा इन सभी का सब जवानी चल बसा चिया बगान में, चिया बगान में अपनी जिंदगी गुजारा और इतने हम लोग भी ऐसे कर रहे, हम लोग ने सब पसीना दिया है खून दिया है, लेकिन अब सिर्फ विश्वास गुमाने का दिन आ रहा है। ये विश्वास हमारा जो विश्वास करते हैं आप लोग से हमारा विश्वास मत छिनेगा, इस बोनस के दिन हम देखेंगे कल देखेंगे। र इसको साथ साथ में अझ एउटा कुरा भन्नु मन लाग्यो हाम्रो भाषा में, र यहाँ भाइहरु भोलि जानु हुँदैछ हाम्रो एचपीडब्ल्यू को यहाँ धीरज भाई धेरै संग्रामी छ, उहाँको साथी एसके दाजु विमल दाजु को निश्चय त्यहाँ दाजु ऊ जानुहुन्छ सुरत सुब्बा जानुहुन्छ, हाम्रो अनितज्यू को निश्चय नै जेबी तामाङ अनि भरत ठकुरीज्यू जानुहुन्छ, सिपिआरएम का सुनिल राई जानुहुन्छ, पाठकज्यू समन पाठकज्यू बस्नुहुन्छ, जेएनएलएफको हाम्रो यहाँ भाइहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो पार्टीको यहाँ हाम्रो डिकेज्यूहरू हुनुहुन्छ, र उहाँहरूलाई एउटै निवेदन छ, एकदम डटेर गर्नुपर्छ है भोलि।